अब अपनी नजरें गड़ाकर बैठे ऑटो पर, क्योंकि आज आप पूरे दिन देखेंगे ऑटोमन एम्पायर शो को। ये टेढ़ा मेढ़ा फर्नीचर। बच्चों, हॉल में जरा सलीके से बैठो और प्लीज बर्तनों में खाना मत छोड़ा करो। जूस लेने आया हूँ मिसेस बी। कैसी हो एजेंट 22 ब्लैक हेरन? जिंदगी तू पानी है, जहाँ है डक बर्ग, गाड़िया ले दवाई जहाज, ये है डक बर्ग, मिस्ट्री सुलझाओ, हिस्ट्री मुश्किल काम, पर मुश्किल काम को बनाना आसान यही है अपना काम। मॉर्निंग मिस्टर मैकडक। गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल, तुम्हारी दादी कहाँ है? वो अब तक मेरी अदरक वाली चाय नहीं लेकर आई। मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम रहने, ठीक है, बस एक बूंद दूध थोड़ा मिलाना, अदरक को पूरा नहीं घोलना है। और ये वही टी बैग है जो हम एक महीने से यूज कर रहे हैं। कम में टेस्ट ज्यादा, तुम्हें कैसे पता? मुझे आपके बारे में सब पता है। तुम्हें बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। घोड़ सवार, तलवार बाज, आपको कैसा लगता है? मतलब यूनिकॉर्न, इसमें लिखा है आपका एक से सामना हुआ है, लड़ाकू कवि जो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। कमाल है ना? क्या मैं आपका नाश्ता ले आऊं? मैं खुद ले लेता हूँ। लाओ लब डबल डामाडोल। शायद डोनाल्ड ने ऑमलेट बनाने की कोशिश की। नामुमकिन, वो तो अब तक छोटे कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाया। हो नहीं सकता। एजेंट 22, क्या बात है, जल्दी आ गई। अब हम शुरू करते हैं। डायरेक्टर वॉन ड्रेक, ये है ब्लैक हेरन की केस फाइल। खुफिया जानकारी के मुताबिक वो बहुत टेढ़ी खीर है। मार्शल आर्टिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर और केमिस्ट, काउंटर एजेंट बन गए। हाँ, और जहाँ मुझे पता है वो महान ग्रेट बुक के आखिरी पेज के पीछे पड़ी है। उस पेज का अभी अभी डनविन किले पर उद्घाटन हुआ था। हाँ, और कहते हैं उसमें एक खतरनाक राज छिपा हुआ है। तो क्या तुम्हें पता है वो काम करती है? और उसके पीछे फाउल का हाथ है, यानी आज लंदन में उस पन्ने की नीलामी होगी। हेरोन उसे लेने की कोशिश करेगी, हमें पहले ही उसे हासिल करना होगा। अगर तुम इतनी बुद्धिमान हो तो तुम्हें पता होगा कि ये एक बहुत ही खास नीलामी है, पर मेरी जान पहचान की वजह से हमें VIP टिकट मिला है। क्या कह रहे हो? ये हैं आपके पार्टनर मैकडक, स्क्रूज मैकडक। कल रात उस शैतान जैक को पकड़ते पकड़ते काफी देर हो गई, और उसके बाद हमसे पार्टी करने चले गए। क्या तुम इसे रानी को वापस कर दोगी? चलो अपने खुफिया एजेंट टाइप हथियार को देखते हैं।
मेरे पास लकड़ी तो पहले से है। ऐसी वैसी नहीं है, ये नई तकनीक से लैस लकड़ी है जिसमें कहीं मस्त और सॉलिड गैजेट्स हैं। और अगर इसका इस्तेमाल गलत किया तो जान भी जा सकती है। ठीक है ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे। चलो अब 22 एक नए रोमांच के लिए। इसी गलत इस्तेमाल की तो बात कर रहा था मैं। एम्पायर पूरे दिन की मैराथन। मैं अब छोटी से सफर पे जा रहा हूँ, जो कुछ चाहिए अंकल डोनाल्ड से मांग लेना। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम लोगों को जान के अच्छा लगा। हाँ हाँ जरूर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पर आप दादी को बचाने जा रहे हैं ना? अगर वो मुसीबत में है तो मुझे मदद करनी है। वो चाहती है कि तुम घर पे सलामत रहो, मेरा फैसला है। तो तुम यहाँ हो? हम लोग कुछ घंटों में पहुँच जाएंगे मिस्टर मैकडी। याद रखना, हमारे इस सफर के बारे में किसी को पता न चले, पता न चल पाए हम कहाँ जा रहे हैं। जो हुकुम। रोमांच के लिए तैयार हो मेरी छड़ी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्शन वाली छड़ी, काला फर, नक्शा, मतलब ये है कि एक एजेंट 22 मैकडक का खुफिया मिशन है। ओह, क्योंकि दादी आपके साथ नहीं है तो क्या मैं आपकी पार्टनर बन सकती हूँ? मैंने खुफिया मिशन की ट्रेनिंग ली है, जासूसी भी आती है, मैं राज भी रखना जानती हूँ। अब हम काफी आगे निकल चुके हैं, पर यहाँ पे सुरक्षित रहोगी। सॉरी, आँखों की पट्टी निकल गई, पर अब भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं। पर अब लगता है मैं चल सकती हूँ, ये पहली वेबी डक टीम जोड़ी होगी। ये कोई मामूली रोमांच नहीं है, तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलना होगा। अब जैसा कहूँ वैसे करते जाओ मैकडक। भाइयों और बहनों, बहनों और भाइयों, हम अपनी आज की नीलामी ग्रेट बुक के आखिरी पन्ने से शुरू करते हैं। आप में से इतिहास के शौकीन लोगों के लिए एक अनमोल पेशकश। तो उस पन्ने में ऐसा क्या है? केमिस्ट्री, इसमें दवाओं का फार्मूला और बनाने का तरीका है। बोलते हैं कि डनविन किले के बड़े पादरियों को किसी अनजान जीवों ने ज्ञान दिया था, ऐसे जीव जिनमें रहस्यमय शक्तियाँ थी। रहस्यमय शक्तियाँ? हाँ, अगर तुम विश्वास करो तो। फाउल तो करता है। तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता है? अजीब अफरा तफरी, रहस्यमय चीजें मुझे इन्हीं का शौक है। आ गई ब्लैक हेरन। प्लान के मुताबिक हमें ये बाजी जीतनी होगी। नीलामी शुरू करते हैं 25,000 पाउंड से। तो बोलिए 25,000, क्या किसी ने 50,000 कहा? अब हम 50,000 पर हैं। और ये बोली लगी 60,000 की। 70,000, क्या कोई 80,000 की बोली लगाएगा? कहिए जनाब, आपका क्या ख्याल है? क्या कर रहे हो, कुछ बोलो। मुझे तो एजेंसी ने सिर्फ 60,000 दिए थे, अब मैं क्या करूं, अपनी जेब में से निकालूं? तुम एक अरबपति हो। तो ये पन्ना 70,000 में उस खूबसूरत महिला को जाता है जो इसे पाने की खुशी में खिड़की से कूद रही है। अब हम उससे ये पन्ना मुफ्त में चुरा सकते हैं। पैसे बचाने के लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। जानता हूँ कि तुम्हें लगता है ये एक मजेदार सफर है, पर सुनो। हाँ, एकदम सीरियस, समझ गई। वाह, क्या बढ़िया टोपी है। हेलो हेलो रहस्यमय गोले। बिगल, चुप रहो। प्रोटोकॉल 414, किसी को शक ना होने पाए, सावधानी से रहो। खुफिया पहरेदार, उसने हमें देख लिया। वो गोला। उसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, असल में वो एक हाईटेक हथियार है, वो कोई खेलने वाली प्यारी चीज नहीं। पता है, ये एक कीमती थ्रो बबल C20 हथियार है, बारूद से भरा हुआ, जिस चीज पे गिरेगा उसे राख कर देगा। मस्त है। काफी बच्चों को तो ऐसी तबाही करने वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, लुई तो रोने लगता है। क्या कर रही हो? उड़ा रही हूँ बारूद से गैस तक। मैंने इतना गजब का पैंतरा आखिरी बार देखा था।
अगली बार ठीक से फाइल पढ़ना, मुसीबत को अच्छे से समझोगे तो उसका सामना भी करोगे। वो क्या है? अजीब फल के पेड़ है, ये फल यहाँ का नहीं लग रहा, जहरीला हो सकता है। जहरीले नहीं है। पागल हो गए हो क्या? हमारे नियम हैं, कायदे हैं। छोड़ भी दो 22, तुम लोग हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? मैं जिंदगी में इतनी दूर कायदे मानकर नहीं आया हूँ। बढ़िया, अब तुम गए। उससे बदतर, गले में कांटा फंसा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात है? क्या अब हमें चलना चाहिए दुश्मनों को डराने के लिए? दिमाग में क्या चल रहा है? बुरे लोगों, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। क्या बोल रही है ये? तुम्हारा यहाँ चिल्लाना जरूरी था क्या? आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए टीम के डिपो, हो जाए। अगर निशाना सही बैठता तो बहुत मजा आ जाता। खैर चले, अब हमें आखिरी रोबोट का पीछा करना है। गलतियां मत करना। हम अब उसे दोबारा नहीं देखेंगे। तुम अब तक ठप कैसे नहीं पड़ी? खैर छोड़ो, आगे बढ़े। खत्म होने के बाद ये तो और घिनौने लगते हैं। बहुत खूब, इतने समय से हम घर में हैं, पहले कुछ ऐसा करना चाहिए था। दादी ने मुझे आपको परेशान करने से मना किया था। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते थे, पर आप अपने काम में बहुत बिजी थे और किटकिट करने में, और मैं भी दादी के साथ काफी बिजी थी ट्रेनिंग और आपके रिसर्च में, तो कह सकते हैं कि हम दोनों बिजी थे। मतलब ये कि मैं एजेंट 22 मैग्डक एडवेंचर के लिए अपने आप को कब से तैयार कर रही थी। तुम मेरे बारे में कितना कुछ जानती हो और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जानते तो हो, जैसे कि मेरा फेवरेट कलर है पिंक, और मुझे दुश्मनों को गड्ढे में गिराना अच्छा लगता है, और जब बफर डराता है तो मुझे मजा आता है। मैं तुम्हारे मनपसंद ड्रिंक जानता हूँ, जायफल चाय, पर आज सुबह तो तुमने चाय का पूरा कप पिया था। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए था, चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुमने जूस कहा, अगली बार सही जवाब दूंगा, वादा रहा। हेरॉन की लैब, मैकडक, तुम कहाँ हो? मैकडक, तो यहाँ क्या क्या है? गुड आफ्टरनून दुनिया के बड़े लीडर्स, मैं फाउल की ब्लैक हेरिन हूँ। मेरे बारे में ना सुना तो माफी चाहती हूँ, पर मैं आपकी एजेंट 22 को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत कोशिशों के बाद मेरे दांत में मुसीबत का सिग्नल लगा है, वो लोग मेरे लिए आते ही होंगे, अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे रुको जरा, मैं गलत इरादों की घोषणा के बीच में थी और तुमने टोका। मैं कहाँ थी? बहुत कोशिशों और खतरनाक प्लानिंग के बाद मैंने इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार बनाया है। पूरे फॉर्मूला के साथ मैं एक ऐसी सेना खड़ी कर सकती हूँ जो ऐसी तबाही मचाएंगे कि सब तबाह हो जाएंगे। क्या बोला इसने? ये कौन है? ये तुम्हारे साथ है? किस्मती से। तुम क्या उछलने कूदने का जूस बना रहे हो? ये हमारी ऐतिहासिक ताकत है, उछलना कूदना। हाँ, वो यहाँ वहाँ उछलेंगे और कूदेंगे और तबाही मचाएंगे, तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। हंसना बंद करो, यहाँ मैंने पूरी रील बर्बाद कर दी और तुम पूरी तरह फ्रेम में भी नहीं हो। क्या कर रहे हो तुम? एक खूंखार दुश्मन से लड़ाई कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब
जोड़ तोड़ करनी होगी। 22, मेरी मदद करोगी? मैं एक प्लान बना रही हूँ। मेरे पास एक प्लान है, बस जल्दी कुछ करो। पर आपने ब्लैक हेरन को कैसे हराया? इसने नहीं हराया। मेरी दादी कहाँ है? आराम से बच्ची, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, हम उसे हरा सकते हैं। बेबी, हमें जल्दी। उठो, जल्दी उठो, जल्दी से उठ जाओ। ये आपने क्या किया? मेरी पोती को यहाँ क्यों लेकर आए? वो भी इस जासूसी मिशन में, वो अभी बहुत छोटी है। जानता हूँ। खामोश, मैंने इस पल के लिए 22 इयर्स इंतजार किया, छिपी रही, तुम्हारा पता लगाया, इस जगह को फिर से खड़ा किया, खुद को मजबूत किया। पर 22, इस बार मैं तैयार हूँ। दुनिया पर राज बाद में करूँगी, पर ये बहुत मजा आएगा तुमसे बदला लेकर। अब मुझे वो फॉर्मूला बताओ। ये सालों पुरानी बात है, मुझे अभी कैसे याद होगा। वैसे तुम ये, अरे सुनो 22, प्रोटोकॉल के मुताबिक तुम्हें मिशन से जुड़ा सारा डेटा याद होना चाहिए, और तुम तो मुझसे ज्यादा होशियार हो। तुम्हारे पास आधा सेकंड है जवाब देने के लिए, वरना कुछ मत बोलना। मुट्ठी भर के 6 लाल फल, 4 नारंगी फल, 3 जामुनी फल, 4 नीले और 3 हरे फल और 1 पीला फल, सबको मिलाना है। बेंटीना। आखिरकार अब सारी प्राचीन शक्तियां मेरी होगी। अब तुम कहीं हेरन, मुझे बीच में टोकना बंद। नहीं नहीं 22, तुम इस बार बाजी मेरे हाथ से नहीं छीन पाओगी, मैं इस बार हर चीज के लिए तैयार हूँ। ये बच्ची तो मजेदार है, इसे खत्म करने में तो बहुत मजा आएगा। इसे इसमें मत घसीटो हैरान, ये एक बेचारी बच्ची है, इसे यहाँ होना भी नहीं चाहिए था, ये तो ऐसे ही यहाँ आ गई। इसे यहाँ लाना ही मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में ये तो घर पे आराम से बैठ के अपनी मन पसंद चाय पी रही होती। मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे पसंद है। बोर मत करो, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। तुम कौन हो बच्ची? ये वेबी वैंडरडक है, मेरी नई पार्टनर। हाँ, वैसे मेरा नाम वेबी हेरान का संभाला, मैं बीकले को देखता हूँ। वो जूस, प्रोटोकॉल 78, अपने दुश्मन को ये दिखाओ कि तुम्हारा पार्टनर कमजोर है। आखिर उसने ये कैसे किया? तुम्हारी पोती बहुत होशियार है। चलो हटो, चली जाओ। मुझे वो जूस दो, बुरी विलन कहीं की। ओह नहीं, इसका असर खत्म हो रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। लिपस्टिक 3 होल। ये काम बन गया। मजेदार। लॉन्च पैड, हमें घर ले चलो। ठीक है, आंखों पर पट्टी लगाकर। बहुत मजा आया, एजेंट 22 और मैकडक दोनों साथ में। पर हेरन के साथ पहली लड़ाई में क्या हुआ था मिस्टर मैकडक? अरे जल्दी से कुछ करो।
क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये क्या हो रहा है? तुम इसकी कीमत चुकाओगी। ट्वेंटी टू, तुमने सिर्फ मेरे लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मिशन के लिए और तुम्हारे लिए पार्टनर। चलो आप चले। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी बहुत सारी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी एजेंट मैकडक। मुझे स्क्रूज बुलाओ। पेंटेना बेकली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मैकडक एजेंट 22 की टीम का हिस्सा हूँ। थैंक यू मिस्टर मैकडक। मुझे अंकल स्क्रूज बुलाओ। मैं वेबी हूँ।